Creation is a go. No? Okay, for me. Money, Toto. I'll give you at last. और उन्होंने मेरे हाथ से नोट ऐसे लेके और दिस नाउ गोइंग टू वियतनाम। सबसे मजे की बात ये है कि मैं अभी बैठ के हॉस्टल या होटल बुकिंग करूंगा, मैंने अभी तक बुकिंग करवाई नहीं। वहाँ पे पानी का मशीन था, पानी भर लिया। अभी अपना जो गेट है वो गेट नंबर 3 है, 7:25 की 786 नहीं 658 एयर एशिया 725 FD658 गेट नंबर 3 वाली फ्लाइट वियतनाम जाने वाली वो हमारी है। नीचे चलते हैं। थाईलैंड में 5 दिन रहा, वियतनाम में 4 दिन रहूँगा, 10वें दिन में फ्लाई ख़त्म, छुट्टी, उसके बाद बैक टू वर्क, फिर से वही जिंदगी। लेकिन अभी उसके बारे में नहीं सोच रहा, अभी वियतनाम जा रहा हूँ, वियतनाम के बारे में सोचूंगा। सारे 11 बजे का निकला हुआ हूँ, 7:30 बज रहा है, पहुँचूंगा समथिंग अराउंड 9:30 बजे पहुँचूंगा। उसके बाद इमिग्रेशन, एयरपोर्ट से निकलते निकलते थोड़ा सा समय लगेगा, सिम कार्ड लेना है, करेंसी एक्सचेंज करना है, और उसके बाद पता करना है कि मैं अपने हॉस्टल तक कैसे पहुँचूंगा। बैठा हुआ था तो अपना हॉस्टल बुक करा लिया। मिलते हैं आपको वियतनाम में इमिग्रेशन के बाद। सभी फ्लाइट डिलेड है, तब से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अभी तक बोर्डिंग शुरू नहीं हुआ है। 7:30 को फ्लाई ऑफ करने का समय था, लेकिन अभी 7:40 बज रहा है, अभी भी बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है। बस लगता है कि अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ कि अब करेंगे बोर्डिंग। और पता है एयर एशिया जब वो बोर्डिंग पास देते हैं तब आपके जो बैगेज है हैंड बैगेज को वो नहीं वेट करते, और जब आप मतलब फाइनली डिपार्चर के लिए जब इस काउंटर में आते हो ना तब जाके वो आपके हैंड बैगेज को चेक करेंगे कि उसका कितना वेट है। और इस समय में आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा कि आप कर भी क्या सकते हो, है ना। ये मेरे साथ जब मैं दिल्ली से फ्लाई कर रहा था, उन्होंने फाइनल स्टेज में जब मैं अब फ्लाइट में उठने वाला हूँ और वो लोग मेरा बोर्डिंग पास चेक करने वाले हैं, तब जाके वो मेरे हैंड बैग को वेट कर रहे थे कि कितना किलो का है। अगर 7 किलो के ऊपर होगा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा कि मैं अपने चेक इन बैगेज में उसको एडजस्ट कर दूँ, अगर मेरे पास हो तो। ये पता करना है कि मैं सिम कार्ड कहाँ से लूँ। $250 $10 No, I don't need 1 month. Sorry, but it's a just this one. I need. Listen and call me not. Need data. Only data. Yes. It's people if call me and you listen. No, I don't need to call anyone. Okay. Can I take this one? This one. Yeah, 190,000 BND. 190,000 BND. It's no. Okay. Okay, I'll come back. Okay. Okay. By $8 का sim only data 1.5 per day 7 दिन के लिए valid. अंदर अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा दोनों दे रहा था 200,000 डोंग में, और मुझे लग नहीं रहा है कि वो मेरे को अंदर अब जाने देंगे, मुझे अंदर ही ले लेना चाहिए था, मैं तो निकल चुका हूँ। तो एक बार ट्राई करता हूँ कि अगर मैं अंदर जा सकूँ तो। अगर मैं टैक्सी बुक करके सीधा होटल में पहुँच जाता हूँ, हॉस्टल में मतलब, तो फिर ईजी हो जाएगा ना, फिर मैं सिम कार्ड आराम से ले सकता हूँ, अभी सिम कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखता हूँ टैक्सी कितना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोल भाव कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और एक काउंटर में गया था सिम कार्ड के लिए, उसने मुझे बोला 350,000 डोंग,
फॉर सिम कार्ड। फिर मैं बोला नहीं, अंदर 200,000 डॉन्ग में दे रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है 300,000 देना, 50,000 मत देना। तो मोल भाव हो रहा है ना। तो भाई बहुत घूमने के बाद देखो यहाँ पे सिस्टम का पता चला, जो टैक्सी ड्राइवर है ना वो लोग अपने हाथ में ग्रैब लेके, अब मेरे पास तो सिम कार्ड है नहीं ना इंटरनेट है, मैंने सिम कार्ड या इंटरनेट कुछ भी नहीं लिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मोबाइल में ग्रैब टैक्सी को खोला, बोला तुम्हें कहाँ जाना है, मैंने बोला भाई यहाँ पे जाना है। तो ओके सो इन्होंने क्या किया, अपने मोबाइल में उन्होंने ग्रैब खोला और उन्होंने बोला कि ठीक है तुम जहाँ पे तुम्हें जाना है अपना एड्रेस को तुम बताओ। तो मनी मनी तो I'll give you at last 153, no? Yeah. I don't have change right now. I'll give you after the ride. Line up. Go. No. Okay, for me. हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग सब कैसे हो? आज 1 मार्च है, कल मैं रात को वियतनाम में आया। मैं एयरपोर्ट में वीडियोस रिकॉर्डिंग कर रहा था और सब कुछ मैं आपसे शेयर कर रहा था। तो लास्ट में क्या हुआ, मेरे साथ एक घटना घटी। आप जब आप ट्रैवलिंग करते हो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ बुरी चीज़ें होती है। अब मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या। कल रात को जैसे मैं एयरपोर्ट से निकला तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे ना तो बस मिल रहा था ना तो टैक्सी मिल रहा था। तो लास्ट में मुझे क्या मिला कि एक टैक्सी ड्राइवर अपने मोबाइल में ग्रैब टैक्सी लेके बोल रहे थे तुमको कहाँ जाना है। तो उन्होंने मुझे रेट दिखाया ग्रैब टैक्सी की, जो कि मतलब ऑथेंटिक मतलब रेट दिखाती है, लाइक 153,000 वियतनामीज डोंग दिखा रही थी। बोला ठीक है बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा है, जो कि मैं वीडियो में भी आपके साथ बात कर रहा था। उसके बाद मैं उनके साथ कार में गया, वो मुझसे पार्किंग का पैसा मांग रहा। तो मैंने कहा कि भाई साहब मैं आपको बाद में पैसा देता हूँ, अभी आप दे दो। उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। तो अभी तक मैंने जो एक्सचेंज करवाए थे तो वो मैंने ठीक से अपने पर्स में देखा भी नहीं था कि मतलब नोट किस तरह के दिखते हैं। छोटा सा बंडल था तो मैंने अपने हाथ में लिया तो अचानक उन्होंने बोला ओ कम ऑन फास्ट 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 लेट मी शो यू। और उन्होंने मेरे हाथ से नोट ऐसे लेके और दिस और उन्होंने क्या किया ऐसे करते ऐसे करके और फिर मेरे हाथ में दे दी। तो मेरे को पता चला कि उन्होंने मेरे बहुत सारे नोट मतलब अपने सीट के नीचे फेंक दिया और फट से मेरे हाथ में दे लिया। ओके डन। तो मैं घबरा गया, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ ऐसा होगा। मैंने अपने कैमरे को बंद किया, मैं शांति से काम लिया, जितने नोट उसने मुझे दिए मैंने अपने हाथ में लिए और मैं बोला ब्रदर दिस इज़ नॉट गुड। और मैंने अपने कैमरे और जितने भी नोट थे अपने पर्स में रखे और फिर मैं उनके सीट में नीचे देखने लगा। ओ नो हियर नथिंग ऐसे करने लगा। बोला नो ब्रदर दिस इज़ नॉट गुड हियर मनी, मैं उनसे कहने लगा। तो मैंने देखा कि 3-4 नोट नीचे गिरा हुआ था। तो फिर मैंने अपने हाथ से उस नोट को उठाए, मतलब एक नोट 50,000 वियतनामीज डोंग का। तो 3-4 नोट उसके सीट के नीचे गिरे हुए थे। तो मैंने उसे नॉट गुड। तो मैंने 3-4 नोट अपने हाथ में लिए और फिर मुझे अभी भी लग रहा था कि नहीं ये अभी भी कम है। वो भी थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि सामने ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी। तो इतना कह सकता हूँ कि उसके मन में भी थोड़ा सा डर था कि ये अगर मतलब चिल्लाने लगा या पुलिस को बुला लिया तो मैं भी अब प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। उसने बोला ओके सॉरी। उसके बाद वो मान गया कि मतलब उसने किया है, जानबूझ के किया है। तो मैंने सारे नोट अपने हाथ में लिए और फिर से मैंने अपने पर्स में रखे और फिर से बोला नो मनी। उसके बाद 3-4 नोट और भी पड़े हुए थे उसके सीट के नीचे, मैंने उसे भी उठाया। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस, और वो भी रात के 12 बजे। मतलब मैं टैक्सी खोज रहा था, बसेस खोज रहा था कि किस तरह से मैं मतलब सिटी सेंटर तक आ सकूं। और मेरे पास सिम कार्ड भी नहीं था। सबसे बड़ी गलती मैंने की थी कि मैंने एयरपोर्ट से सिम कार्ड नहीं ली थी। अब उसका भी एक रीज़न है, मैं वो भी आपको बताता हूँ जिससे कि आपके साथ भी ऐसा ना हो और आप ये गलती मत करो। तो फिर मैं गाड़ी से निकला और बोला नो सो मी मोर। उसके बाद जब मैं सेटिस्फाई हो गया कि और कोई नोट नीचे नहीं है और वो भी मोबाइल के लाइट से मुझे दिखाने लगा, क्योंकि अब तक वो भी डर चुका था। उसके बाद मैंने पर्स में सारे नोट भरे और साइड में जाके पूरे पैसे काउंट किए तो मुझे मिले थे 16,50,000 वियतनामीज डोंग,
मैंने 300 दिरहम चेंज करवाए थे जिसकी रेट मुझे एयरपोर्ट में 5500 डोंग के हिसाब एक दिरहम 5500 डोंग के हिसाब से मिली थी। मेरे हाथ में सारे नोट आए, मैंने अच्छे से गिने, तब बोला हाँ गाड़ी में एक भी नोट नहीं छूटा है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मतलब आप एक नया देश में आती हो और अचानक से आपके साथ ऐसी इंसिडेंट हो तो बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता है ना। तो मैं ये रिकमेंड आपको करूँगा कि अगर आप वियतनाम आते हो और पहली बार आते हो तो ऐसे ड्राइवर जो आप अपने मोबाइल में ग्रैब टैक्सी की जो ऐप है उसको लेकर रखे और आपको बोले देखो मैं इतना ही लूँगा तुमसे, तो उन लोगों को ट्रस्ट मत करना, क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ और मुझे लगता है ऑब्वियसली मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप जो ट्रैवलिंग करती हो कभी ख़राब एक्सपीरियंस होती है कभी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होती है। तो ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। और दूसरी बात क्या है ना, मैंने एयरपोर्ट से सिम कार्ड इसलिए नहीं ली थी, मुझे लगा कि जैसे ही आप मतलब फ्लाइट से निकल के एयरपोर्ट में इंटर करते हो ना, आपके राइट हैंड साइड कॉर्नर में सिम कार्ड और करेंसी एक्सचेंज है, मतलब अभी तक आप इमिग्रेशन भी क्रॉस नहीं किए हो, मतलब एयरपोर्ट से बस एयरपोर्ट में बस अंदर आए हो और आपके पास मतलब ये सिम कार्ड वगैरह। तो मुझे लगा कि ठीक है बाहर जाके ले लूँगा, फिर इमिग्रेशन क्लियर किया, इमिग्रेशन में मैंने आपसे शेयर किया ही था कि मतलब उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, मैंने अपना पासपोर्ट बोर्डिंग टिकट जो मैं थाईलैंड से वियतनाम आ रहा था मेरी वीज़ा और फॉरवर्ड टिकट अपने पासपोर्ट में रख के उनको दे दी, तो उन्होंने मुझे स्टैम्प मार के मुझे पासपोर्ट दे दी। अब इमिग्रेशन से निकला तो और भी थोड़े सारे काउंटर थे, मुझे लगा कि थाईलैंड के जैसा एयरपोर्ट के बाहर भी बहुत सारे काउंटर होंगे, तो मैं इसी विचार से करेंसी एक्सचेंज तो करवा ली थी। करेंसी एक्सचेंज मैंने इसलिए करवा ली क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दिरहम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और दो तीन काउंटर ही था जहाँ पे वो बोल रहे थे ओके वी एक्सेप्ट दिरहम। तो मैंने कहा कि भाई साहब जब तक अंदर हूँ ये करवा लेता हूँ, बाहर जाके सिम कार्ड ले लूँगा, एक बार एयरपोर्ट से निकल जाता हूँ, बाहर भी बहुत सारे काउंटर होंगे, और जब थाईलैंड में था तो वियतनाम में तो होगा ही। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप अगर वियतनाम में पहली बार आ रहे हो मेरे जैसा तो आप एयरपोर्ट में सिम कार्ड ले लो, 200,000 वियतनामीज डोंग में आपको सिम कार्ड मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही आप एयरपोर्ट के बाहर निकलोगे तो फिर आप अंदर नहीं आ पाओगे, क्योंकि सिक्योरिटी आपको अंदर आने नहीं देगी, यहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी थी, थाईलैंड में सिक्योरिटी नहीं रहती है। आप अगर आप बोर्डिंग गेट से बाहर भी निकल गए ना, मतलब एग्जिट कर गए, तो आप वापस आ सकते हो मतलब एक मेन हॉल में, लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं था। जैसे ही मैं एग्ज़िट किया तो अपने इंडिया के जैसा पूरे लोग भरे पड़े हैं और है ना पैम्पलेट लेके खड़े हैं, और सिक्योरिटी भी था, तो मैं समझ गया था कि मैं वापस तो अंदर नहीं जा सकता। तो मैं बाहर ही बहुत सिम कार्ड खोजने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिम कार्ड अवेलेबल होगी लेकिन वो कौन सा पॉकेट से निकाल के आपको सिम कार्ड देंगे, वो चलेगा कि नहीं, कितनी वैलिडिटी होगी, या वो बस ऐसे ही मतलब होता है ना जाली सिम कार्ड दे दे जो कि अभी डालो और कल ही ख़त्म, और आपको मन चाहा रेट बताएंगे और आपके साथ बार्गेन भी करेंगे। मेरे साथ बार्गेन भी कर रहा था एक बंदा जब मैं बाहर, वो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड भी किया है, वो मुझसे 3,50,000 डोंग मांग रहा था, फिर मैंने बोला नो 200,000 इनसाइड वाई 3,50,000 आउटसाइड सेम सिम का, तो उन्होंने कहा ओके 3 गिव मी 3,00,000। तो इसका मतलब ये है कि मतलब कोई कुछ फिक्स नहीं है बाहर। मैं आपको फुली बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप एयरपोर्ट में रहते रहते ही सिम कार्ड ले लेना। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, और ये घटना होने के बाद ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था, उसके बाद मैंने कैमरा बंद कर दिया। मैं मतलब ये मैं थोड़ा सा शॉक में आ गया था क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। तो उसके बाद मैं सोचा कि देखो अभी रात को मुझे बस तो मिलने वाली है नहीं, चलो अब टैक्सी ले लेता हूँ, मेरा मूड अब बहुत ख़राब हो चुका है। तो टैक्सी जो एयरपोर्ट से मैं सिटी सेंटर तक जो कि काफ़ी दूर थी 6-7 किलोमीटर है, उन्होंने मुझे चार्ज किया 2,50,000 डोंग। अब वियतनामीज करेंसी कुछ ऐसे आप समझ लो कि 50,000 वियतनामीज करेंसी जो होती है ना वो 168 इंडियन रुपीज़ होती है, ठीक है। 50,000 यहाँ पे नॉर्मली आपको 50,000 के ही नोट मिलेंगे, 50,000 इनके पास छोटे करेंसी भी होते हैं 5,000 2,000 1,000, लेकिन क्या है ना कि ये करेंसी बस मात्र चेंज भर देने के लिए, मतलब कभी कभी बिल ऐसा बन जाता है तो आपको 1,000 2,000 तो बोलते हैं ना देना तो पड़ेगा ना कुछ, तो उसके लिए शायद ये नोट इन्होंने बनाया है, बाकी सब कुछ लाख में यहाँ पे बात होता है। अगर आपको कहीं पे खाने पे भी जाओगे तो वहाँ पे 60,000 डोंग 50,000 डोंग,
तो इस तरह से यहाँ की करेंसी काम करती है। तो आप इस तरह से पकड़ लो कि 30,000 जो वियतनामीज डोंग होती है वो इंडिया के 100 रुपए होते हैं, और 50,000 जो नॉर्मली आपको मिलेंगे नोट्स वो होते हैं इंडिया के 168 इंडियन रुपीज़, ठीक है। तो फिर मैंने टैक्सी वहाँ से बुक नहीं की, वहीं पर टैक्सी स्टैंड था। अब मेरे पास इंटरनेट तो है नहीं, ना ही सिम कार्ड है, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने अपने हॉस्टल की जो एड्रेस थी वो मैंने गूगल मैप में सेव करके रखा था। तो एक बात अच्छी होती है कि अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं भी होती है ना, तो फिर भी आपकी जो GPS होती है वो काम करती है। तो मैं GPS के सहारे ये समझ पा रहा था टैक्सी में बैठ के कि वो सही दिशा में जा रहा है और मतलब घुमा नहीं रहा है मुझे। तो उन्होंने मुझे चार्ज किया 2,58,000 डोंग, जो कि इंडियन करेंसी में तो भाई मैं लुट गया, 600-700 इंडियन रुपीज़ चार्ज किया उन्होंने मुझे यहाँ पे लाने के लिए। लेकिन उन्होंने मुझे घुमाया नहीं, क्योंकि मैं GPS से ट्रैक कर पा रहा था कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे रात के 12:30 बजे मैं पहुँच गया। इस हॉस्टल को मैंने बुक किया है 2 नाइट्स के लिए 900 इंडियन रुपीज़, मतलब 450, सबसे सस्ती हॉस्टल है और रेटिंग के हिसाब से अच्छी खासी रेटिंग भी थी, मतलब स्टैंडर्ड हॉस्टल है, सोने के लिए बेड है और मतलब इतनी हाई फाई सिनेरियो नहीं है। तो इस लाइक ठीक ठाक हॉस्टल है, 450 में सबसे सस्ता हॉस्टल। इसके ऊपर अगर हॉस्टल में जाओगे तो फिर आपको 600-700 इंडियन रुपीज़ आपको लग जाएंगे। तो ये है एक छोटी सी दुर्घटना जो मेरे साथ हुई। होता है यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, ट्रैवलिंग में कुछ अच्छी होती है कुछ बुरे चीज़ें भी होती है। मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करूं, जिससे कि आपके साथ ऐसा ना हो। अगर आप पहली बार आ रहे हो वियतनाम, तो सबसे पहली बार सिम कार्ड ले लेना। बाहर निकल के वो राइट हैंड साइड में, एकदम राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको बस टर्मिनल मिल जाएगी। 11:30-12 बजे के बाद शायद बस नहीं मिलेगी, मुझे तो नहीं दिखी। तो अगर आप शाम के समय में आते हो तो एयरपोर्ट से निकलते ही राइट हैंड साइड में बस टर्मिनल है, तो आप वहाँ से सिटी के लिए बस ले सकते हो। आपके पास अगर आपके पास इंटरनेट होगी तो आपके लिए ट्रैक करना इजी हो जाएगा। और अगर आप बस नहीं लेना चाहते हो तो टैक्सी है, ग्रैब से ही टैक्सी को बुक करना, क्योंकि अगर आप नॉर्मली लोकल टैक्सी को लोगे तो ये हर जगह मेंशन की रहती है। इंटरनेट में भी मैंने सर्च किया था कि ये लोग पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं और आपको घुमाएंगे बहुत और आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। कुछ देर में जाऊंगा, सिम कार्ड लूँगा और करेंसी को एक्सचेंज करवाऊँगा, उसके बाद डिसाइड करूँगा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और बाकी आसपास में एरिया को एक्सप्लोर करूँगा, घूमूंगा, देखूँगा। वियतनाम में आया हूँ, यही सब तो देखने आया हूँ कि यहाँ की माहौल कैसी होती है, यहाँ की लाइफ कैसी होती है, लोग किस तरह से रहते हैं, खाते पीते हैं। बाकी घूमने के सारे बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं, वो भी एक बार इंटरनेट मिल जाएगा। वाईफाई है मेरे पास, लेकिन एक बार इंटरनेट मिल जाएगा तो और भी अच्छे से घूम पाऊँगा। ओके, तो चलते हैं।